नमस्कार, कुक विद भावना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके सामने लाई हूँ काजू पिस्ता रोल बनाने की विधि। तो चलिए हम शुरू करते हैं। काजू पिस्ता रोल बनाने के लिए हम एक बार सामग्री देख लेंगे। यहाँ मैंने 1 कप काजू ले लिए हैं और आधा कप मैंने यहाँ चीनी ले ली है। यहाँ मैंने 1/3 कप बादाम ले लिए हैं और 1/3 कप ही हमने पिस्ता ले लिए हैं और 3 चम्मच घी ले लिया है। उसके बाद हमें चाहिए 2 छोटी चम्मच दूध चाहिए हमें और 2 टेबल स्पून पीसी हुई चीनी, आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर और ग्रीन फूड कलर, ये हमें 1 पिंच से भी कम चाहिए। तो इन सब सामग्री की ज़रूरत है हमें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं काजू पिस्ता रोल बनाना। सबसे पहले हम काजू को बारीक पीस करके तैयार करेंगे। इसे एक मिक्सिंग जार में डाल देते हैं हम और इसे बारीक पीस के हम तैयार करेंगे। इसे लगातार नहीं चलाना है, हम कुछ सेकंड चलाएंगे, फिर इसे बंद करेंगे और फिर कुछ सेकंड चलाकर इसी तरह से हम बारीक इसका पेस्ट पाउडर बनाएंगे। ये हमने काजू का बिल्कुल बारीक पाउडर बना के तैयार कर लिया है। और यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ टुकड़े रह गए हैं तो आप इसे छान लीजिए और जो मोटे मोटे टुकड़े रह जाते हैं उन टुकड़ों को एक बार फिर से पीस लीजिए। अभी हम सेम जार में बादाम डाल दिए हैं और उसके बाद पिस्ता हम आधे डाल देंगे और आधे हम इनको काट के डालेंगे स्टफिंग में। तो अभी हम इसे बारीक पीस लेते हैं। ये हमारा पिस्ता और बादाम का पाउडर भी बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं और स्टफिंग पहले तैयार कर लेंगे हम। अभी हम पीसे हुए बादाम और पिस्ता को एक तरफ कर देंगे और ये जो हमने पिस्ता बचा के रखे थे इसे बारीक काट के तैयार कर लेंगे और स्टफिंग में डालेंगे। ये पिस्ता हमने काट के तैयार कर लिए हैं। अभी हम इसे हमारे बादाम और पिस्ता के पाउडर में मिक्स कर देते हैं और उसमें हम अब इलायची मिला देंगे। उसके बाद जो हमने पीसी हुई चीनी ली थी वो भी हम इसमें डाल देंगे और एक बार इन सभी सामग्री को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। हमने सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हमें इसे बाइंड करना है और बाइंड करने के लिए हमें यहाँ 2 चम्मच दूध लेना है और इसे अच्छा कलर देने के लिए हमने यहाँ पर ग्रीन फूड कलर लिया है और उसका सिर्फ सिंगल ड्रॉप यानी 1 ड्रॉप हमें इसमें लेना है। हमने दूध में ग्रीन कलर मिक्स कर दिया है ताकि हमारी जो स्टफिंग है बहुत अच्छा ग्रीन कलर आए उसमें और हमारे पिस्ता रोल बहुत ही सुंदर दिखें। अभी हम इसे मिक्स कर देंगे और इसे बाइंड करेंगे, हमारी स्टफिंग को मिक्स कर देंगे और बाइंड होने तक इसको बाइंड करेंगे। ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है, अच्छे से बाइंड कर लिया है हमने इसे। और अभी हम जो इसकी बाहर की परत है यानी काजू की जो कवरिंग है उसे तैयार करेंगे। कवरिंग बनाने के लिए हमने एक पैन ले लिया है और उसमें हमने जो चीनी ली थी वो हम डाल देंगे। और जितनी हमने चीनी ली है यानी कि आधा कप हमने चीनी ली है तो हम उसमें आधा कप पानी डाल देंगे और लगातार चलाते हुए चाशनी बनाएंगे। हमारी चाशनी में उबाल आ चुका है तो अभी हम इसमें जो हमने काजू का पाउडर बना के तैयार किया है वो डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे, इसमें बिल्कुल लम्स ना आए। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें जो हमने घी लिया था वो भी डाल देंगे। और इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। हमारा जो मिश्रण है काजू का वो कढ़ाई छोड़ रहा है, ये लगभग पक चुका है। और इसे चेक करने के लिए कि ये पका है या नहीं हम थोड़ा सा मिश्रण एक बोल में ले लेंगे या किसी बर्तन में लेकर के उसे ठंडा करके हाथों में गोली बना करके देखेंगे। यदि गोली बन जाती है तो मतलब हमारा मिश्रण जो है वो बिल्कुल पक चुका है। ये हमने मिश्रण को एक बोल में लेके देखा है और इसकी जो है वो गोली सी बन रही है यानी कि ये जमने वाली कतरनी
कंडीशन में आ चुका है, तो हमें ऐसा ही चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो जो हमारे काजू रोल है वो हार्ड हो जाएंगे। तो अभी हम गैस ऑफ करके इसे ठंडा होने देते हैं, थोड़ा, बहुत ठंडा नहीं करना है हमें। हमारी कवरिंग जब तक ठंडी हो रही है, हम बेलने के लिए एक प्लास्टिक की शीट तैयार कर लेते हैं। इस पे हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और फैला लेंगे अच्छे से। और थोड़ा घी हम बेलन पे भी लगा लेंगे। हाथों में आप थोड़ा सा घी ले लीजिए और जो मिश्रण है उसे हाथों की सहायता से हम थोड़ा सा फैलाएंगे। हमारा काजू का पेस्ट थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो अभी हम इसे हाथ से फैला लेते हैं इस पे। और उसके बाद हम इसे बेलन से पराठे जितना मोटा बेल लेंगे। और आप कोशिश कीजिए कि इसे चौकोर शेप में ही बेलें और बिल्कुल हल्के हाथों से बेलें। ये हमने जो हमारी कवरिंग है वो बेल के तैयार कर ली है, पराठे जितनी मोटी हमने इसे रखा है। और अभी हम इसके लिए स्टफिंग बना के तैयार कर लेते हैं। आप हाथों को चिकना कर लीजिए थोड़ा घी लेकर के, और आप जो स्टफिंग हमने बना के रखी है उसे बराबर 3 भागों में बांट लेंगे। और इस तरह से हमें रोल बनाना है एक, और इसे हम पतला कर लेंगे थोड़ा। और जो हमारी काजू की जो शीट हमने बना के तैयार करी है उसी के साइज का हम इसे रोल कर लेंगे। ये हमने एक रोल बना के तैयार कर लिया है, इस पे रख के देख लीजिए कि इसी के साइज का हो ये। हमारी काजू की कवरिंग में हम 3 कट लगा देते हैं बराबर भागों में। ये पहला कट हमने लगा दिया है, और एक बार हम इसे रोल कर लेंगे बिल्कुल धीरे धीरे। आप इसे दबाते हुए रोल कर लीजिए। और अभी हम इसे हाथों में घी लगा करके और थोड़ा फैला लेंगे अच्छे से। अभी हमने एक रोल बना के तैयार कर लिया है, इसे हम पीसेज में कट करेंगे। तो हम एक साइज एक रोल काट लेते हैं, उसके बाद इसी के साइज का हम सारे रोल बना लेंगे। इसको रखते जाएंगे और हम इसी तरह से सारे रोल बना के तैयार कर लेंगे, एक ही जैसे, एक ही साइज के। ये हमने सारे काजू पिस्ता रोल बना के तैयार कर लिए हैं।